मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। ये मानव श्रृंखला हिंदी भवन के गांधी प्रतिमा के सामने विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने बनाई और लोगों को जागरूक किया। बता दें, इसके माध्यम से मतदाताओं को नाम जोड़ने के साथ ही जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं और लोगों को मतदान हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इस बार दुर्ग जिला निर्वाचन द्वारा किए जा रहे सर्वे के हिसाब से दुर्ग जिले में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा महिला मतदाता की संख्या देखी जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन महिलाओं में मतदान हेतु जागरूकता के लिए प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में महिलाओं की स्कूटी रैली भी निकाली गई। बच्चों को तो हम लोग क्लास में संदेश दे चुके हैं, क्योंकि वो भी कुछ बच्चे मतदाता के रूप में आ चुके हैं। अब बच्चे उस बात को समझ चुके हैं, इसलिए वो आम जनता को संदेश दे रहे हैं कि मतदान का इतना महत्व है, तो सभी मतदाता मतदान करें। मतदान वाले दिन उसको यूं ही ना छोड़ें, वो उनका एक अधिकार भी है और उनका कर्तव्य भी है देश के प्रति, जिसको उनको निभाना चाहिए। ताकि हमारे यहाँ से बच्चों ने करीब 400 बच्चे हमारे स्कूल से मानव श्रृंखला बनाए थे और उनका उद्देश्य था कि ये रोड चूँकि काफ़ी चलती है, तो यहाँ से ऑफिस आना जाना और भी आम जनता का आना जाना लगा होता है, तो अधिक से अधिक लोगों को हम अपने नारे के द्वारा और अपने द्वारा इस समय श्रृंखला के, क्योंकि ये श्रृंखला बनाई गई तो एक जनरली लोगों का ध्यान आकर्षण होता है, तो उनका मन था कि लोगों को जागरूकता आए और वो मतदान करें। निर्वाचन कार्यालय और जिला शिक्षा विभाग की ओर से हमको प्रोटोकॉल्स मिले हुए थे, उसमें आज हमारे स्कूल के लगभग 400 बच्चे मानव श्रृंखला के माध्यम से, आप देख रहे होंगे ये उतई के रोड में, ये श्रृंखला के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम दे रहे हैं, जिसमें स्लोगन के माध्यम से, बैनर के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम है और उनमें काफ़ी उत्साह है। और साथ में बच्चे नुक्कड़ नाटक भी तैयार किए हुए हैं स्कूल में और रंगोली प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे एक अवेयरनेस के माध्यम से अपनी सरकार चुन सकते हैं एक बटन से, उसके बारे में बच्चे जागरूकता दे रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।